हेलो व्यूअर्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने एक पिक्चर ली है और उस पिक्चर के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 9 की दूसरी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये है हमारी पिक्चर जिसके अंदर एक नोबल मैन है और एक पीजेंट है और ऊपर कुछ इंसेक्ट्स हैं जो डिस्प्ले किए गए हैं, पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं। तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आंसर है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज पिक्चर शोज, क्या शो करती है? स्टेटस ऑफ नोबल मैन और कंडीशन ऑफ पीजेंट्स और फ्यूडल सिस्टम ऑफ द टाइम और ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इस पिक्चर के अंदर नोबल मैन है, पीजेंट है, तो पीजेंट की कंडीशन, पीजेंट सारा कुछ सामान लेकर आया है नोबल मैन के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय में फ्यूडल सिस्टम था, तो उस सबको इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द स्पाइडर सिंबलाइज। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं टॉप के अंदर एक स्पाइडर दिखाई गई है और उसके बराबर में एक फ्लाई दिखाई गई है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो स्पाइडर है किसको सिंबलाइज कर रही है। ऑप्शन आर नोबल मैन और पीजेंट और सर्विस फो नोबल मैन और अनक्लीनलीनेस ऑफ द टाइम। आंसर इज नोबल मैन। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये नोबल मैन को दिखा रही है कि जैसे जो स्पाइडर होती है वो उसका जाल फैलता है और जाल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाते हैं और वो उसको फीड करता है स्पाइडर। तो उसी तरह से जो नोबल मैन है उसका स्टेटस ऐसा था कि जो छोटे मोटे लोग हैं उनके ऊपर वो अपने आप को सर्वाइव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज फ्लाई सिंबलाइज, यहाँ पर फ्लाई किसको सिंबलाइज कर रही है। ऑप्शन आर फूड दैट पीजेंट ब्रिंग और पीजेंट और स्पॉइल फ्रूट्स और नन ऑफ द अबव। आंसर इज पीजेंट। यहाँ पर जो फ्लाई है वो किसके लिए आई है, पीजेंट के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया पीजेंट जो है वो फ्लाई की तरह से है जो कि नोबल मैन के जाल में फंसा हुआ है और नोबल मैन जो है वो उसको उससे सामान लेके सर्वाइव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेट नोबल मैन एज स्पाइडर एंड पीजेंट एज द फ्लाई, किस क्यों ऐसे डिस्प्ले किया गया है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्शंस आर टू शो द नोबल मैन लिव्ड ऑन द लेबर ऑफ पीजेंट्स और टू शो द जेनरोसिटी ऑफ नोबल मैन और टू शो ग्रेटिट्यूड ऑफ पीजेंट्स और ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज टू शो द नोबल मैन लिव्ड ऑन द लेबर ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स बेचारे मेहनत करते हैं और जो थोड़ा बहुत कमा पाते हैं, अर्न कर पाते हैं, वो नोबल मैन को उनको देना पड़ता है एज देयर जो भी उनका रिवेन्यू है उसकी तरह से। तो इसलिए यहाँ पर पीजेंट को फ्लाई की तरह से दिखाया गया है और जो नोबल मैन है उसको स्पाइडर की तरह से जो कि उसके ऊपर फीड कर रही है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।